कहाँ लगी, कहाँ लगी बता। सो गाइस, कुछ ऐसी लग रही है हमारी बाइक, तो कमेंट में जरूर बता देना कि आपको हमारी बाइक कैसी लगी। बाकी गाइस, थोड़ी सी चला के तो बता ही देते हैं आपको, क्या बोलते हो? ब्रेक वगैरह भी ट्राई करवा देते हैं आपको। ओ भाई, ये देख रहे हो स्टॉप भी, देख रहे हो क्या बज रही है इसमें? ये देखो भाई स्टॉपी, मैं आपको भी दिखा नहीं पा रहा ढंग से, बट भाई कमाल की स्टॉपी बज रही है। इतनी सी दबा रहा हूँ, इतनी सी, काफ़ी मज़ेदार ब्रेक हो गया भाई। मैं आपको अभी और डिटेल में बताऊंगा, बट आज तो भाई हम बाइक रिवील कर रहे हैं, आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि मेरे इसमें कितने पैसे लगे हैं, क्या है क्या नहीं। सो गाइस, ये रही हमारी बाइक, तो कमेंट में बता देना कि आपको कैसी लगी है। तो गाइस चलो, अभी हम इसको चलाएंगे, इसके ऊपर ब्लॉग बनाएंगे। अभी तो मैंने सांची को भी दिखानी है, उसका रिएक्शन भी लेना, उसको पता ही नहीं है। सो गाइस, ये बाइक है सक्षम की, और सक्षम ने अभी लगाया हुआ इसमें स्लिप ऑन एग्जॉस्ट, अभी फुल सिस्टम नहीं लगाया, और स्लिप ऑन की साउंड कुछ ऐसी है। तो अभी जब फुल सिस्टम हो जाएगा तब तो भाई और ज़्यादा लाउड हो जाएगी। तो गाइस, ये बाइक लगी अपने साथ, बाकी भाई लोग पीछे रह गए हुए हैं। तो गाइस, बस आप मेन बात ये है, आप मेरे को बस इतना बता देना आपको मेरी ड्यूक कैसी लगी, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे को भी याद भी नहीं कि मैंने क्या क्या करवाया। ये देख सकते हो गाइस, इसका ये वाला पार्ट भी कार्बन फाइबर हुआ है, इसका ये वाला पार्ट भी कार्बन फाइबर हुआ है, इसका ये वाला पार्ट भी कार्बन फाइबर हुआ है, और हमने सीट कवर भी लिया हुआ है, बट अभी ऋषभ को बिठाना था, इसने सीट कवर निकाल दिया हुआ है। और गाइस, यहाँ पे अपना नाम भी लिखा दिया, और यहाँ से लुक चेक कर रहे हैं भाई, क्या लग रही है अपनी ड्यूक 90। तो गाइस चलो अभी राइड करते हैं यार, अभी मेरे को चलानी है, तो गाइस चलो निकलते हैं यहाँ से। तुम्हारा भाई आज बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि भाई मैंने ड्यूक मॉडिफाई करवाने में बहुत टाइम लगा दिया, और भाई बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि क्या क्या करवाऊँ क्या क्या नहीं। तो फाइनली आई होप भाई आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि भाई जितना मुझसे हो सकता था, जितना मेरा दिमाग लगा, उतना मैंने अपनी ड्यूक को तैयार कर दिया हुआ है। और गाइस, अब बारी हमारी 10R की, तो 10R को भी बहुत जल्दी हम करवाने वाले हैं रैप। तो इसको तो मैं पेंट करवा नहीं सकता वैसे, आपको बताइए, तो इसको रैप ही करवाएंगे। और भाई इसके लिए जो रैप मैंने सोच के रखा है ना, वो बहुत ही अलग लेवल का रैप है, तो आपको मैं बता दूंगा वो जब हम मॉडिफाई करवाएंगे। आप बस ज़्यादा कुछ नहीं भाई, आप बस 800K करो, हो सकता है 800K पे हम अपनी 10R को रैप कर दें, और 800K पे हम अपनी 10R को रिवील करें। तो गाइस चलो फिलहाल निकलते हैं, थोड़ी राइड तो करना बनती है ना। ओ भाई, जब मेरे को आगे गाड़ियां दिखती है ना, मैं स्लो हो जाता हूँ भाई, जब सीधा रोड मिल जाता है ना तो मैं थोड़ी दौड़ा लेता हूँ। ओ भाई, फ्लाई बाय देख रहे इसका, खतरनाक भाई, खतरनाक। ओ भाई, पुलिस की गाड़ी गई थी भाई, आपको पता है आज संडे है, आज नाके बहुत ज्यादा लगे होते हैं। सो गाइस चलो, पहले दोनों साथ में मारेंगे, हाँ दोनों साथ में मारेंगे, ठीक चलो। सो गाइस, अभी तुम्हारा भाई एक विली मारने वाला है, रुक एक मिनट। सो गाइस, अभी तुम्हारा भाई मारने वाला है विली सक्षम के साथ, क्या बोलते हो? आई हो भाई बढ़िया सी बजे, चलो। भाई ये इधर ही चला गया था, और भाई पावर कुछ ज्यादा ही ड्रॉप कर रही है भाई यार। भाई 3 बार मैंने ट्राई करी, बट पावर ज्यादा ड्रॉप हो रही है। अभी फिर से मारने वाले हैं, चलो गाइस अब मारते हैं। ओ देखो भाई, भाई क्या हो रहा है, उठ ही नहीं रही है मेरे से, या तो मुझे डर लग रहा है भाई उठाने में ज्यादा, पता नहीं क्या सीन है। ओ अब बजी भाई, अब बजी। गाइस सीन क्या हो रहा था ना, मैं ज्यादा खुद नहीं उठा रहा था भाई, वो देखो भाई फ्लाई बाय देख रहे हो, मैं ज्यादा खुद नहीं उठा रहा था भाई मेरे को, क्योंकि हल्का हल्का डर लग रहा है कि भाई ज्यादा ना उठाऊं, इसलिए मैं कम ही उठा रहा हूँ। अभी आपको तगड़ी विली दिखाऊंगा, आते हुए मारेंगे भाई। और आपको बता भाई, मेरा टायर भी थोड़ा सा ऐसे ही हो गया, घिस गया हुआ है, तो उस वजह से भी ना बाइक थोड़ी अनबैलेंस हो रही है। चलो कोई बात नहीं, आराम से ट्राई करेंगे, अगर बजेगी तो ठीक है, नहीं बजेगी तो रहने देंगे।
गाइस अब हम यहाँ से ले रहे हैं यू टर्न, तो अभी हम जा रहे हैं नेस्कैफे, तो बाकी भाई लोग अपने सारे वहीं पे हैं। आजा ड्रैग रेस। ओ भाई ये आगे से उड़ जाती है भाई टर्नर, देख रहे हो? अभी तो मैं बिली भी नहीं मार रहा था। ओ भाई भाई मैं तो नहीं चला पाता इतनी तेज। ओ ओ भाई कुछ ज्यादा ही भाई तेज थी भाई बाइक। हो भाई बिल्ली देख रहे हो? खतरनाक बिल्ली भाई। भाई बस बस ज्यादा नहीं भाई, ज्यादा नहीं, खाली रोड है भाई, इतनी दौड़ा सकता हूँ मैं, इससे ज्यादा नहीं भाई, डर लगता है यार। सो गाइस ये बिल्ली तो तगड़ी बजी है, दो लास्ट बिल्ली तगड़ी बजी है, तो चलो भाई अब चलते हैं हम नेस्कैफे। सो गाइस तुम्हारा भाई निकल चुका है अपने ऑगी को लेके, और भाई देख रहे हो क्या लग रही है यार, और आ तो दुड़ाने का कुछ अलग ही मजा आ रहा है क्योंकि काफी टाइम के बाद तुम्हारा भाई चला रहा है। ये देख रहे हो भाई, देख रहे हो, देख रहे हो गाइस, एक चीज आपको बताऊं, इसका हैंडल बहुत ज्यादा हैवी हो गया क्योंकि डबल डिस्क लगाई है इसलिए थोड़ा हैंडल हैवी हो गया। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, अभी तुम्हारा भाई एक रील शूट करवा रहा है। चल आगे चल राजे। ओए 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 बक्षी क्या कर रहा है यार भाई, कहाँ लगी कहाँ लगी बता, और कहीं तो नहीं लगी पक्का? ठीक है ठीक है, कोई चक्कर नहीं भाई, वो डरता है यार बक्षी, वो डरता है यार, टी शर्ट थोड़ी पकड़ोती है यार। चल भाई वही तो बोल रहा हूँ ना, ऐसे थोड़ी बिल्ली बजती है, और कहीं तो नहीं लगी? बैग पहन बैग पहन बैग पहन बैग पहन बैग पहन पहन ले बैग। अभी हमारे एक भाई ने बिल्ली मारी बट ना उसने पीछे वाले को बोला नहीं था यार, तो उसने पकड़ा नहीं था, तो भाई वो गिर गया भाई, शुक्र है भाई बच गया, वो पीछे से गाड़ी नहीं आ रही भाई, काफी डांटा मैंने उसको। और ये देखो भाई ये पता नहीं कौन है हमारे साथ ज्वाइन, ओए क्या कर रहे हो भाई, ये हमें देखे हमारे साथ आगे निकलो इनसे आगे। हर बार कोई ना कोई सीन होता ही होता है, तो भाई वो भी अपना फ्रेंड ही है यार, बट उसने बिल्ली मारी, उसको बताना चाहिए था पीछे वाले को कि भाई पकड़ ले, उसने बोला ही नहीं, इस वजह से वो गिर गया भाई। मैंने तो बहुत गुस्सा किया भाई, शुक्र करो पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, तो अब क्या ही कर सकते हैं भाई, मैंने समझाया, मैं कहा भाई अब ये दोबारा मत करना, अब क्या ही बोल सकते हैं भाई, उसको भी थोड़ा डांटा मैंने, अभी वो आगे गया हुआ है आराम आराम से। गलती बस उससे ये हुई कि उसने पीछे वाले को बोला ही नहीं कि भाई मैं बिल्ली मारूँ पकड़ के रखना, और वो पीछे वाला भाई वो शरीफ सा बेचारा वो गिर गया यार, बच गया भाई, अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही होती ना सीन हो जाता। देख रहे हो भाई जब भी हम कोई प्लान करते ना मीटअप का राइड का या किसी चीज़ का भी, कुछ ना कुछ सीन हो ही जाता है। ये देख रहे हो लीन भाई लीन। गाइस अभी हम रुके हैं इस जगह छाव में, तो अभी भाई ऋषभ की स्कूटी लगी हुई है आगे, तो अभी वो ऋषभ की स्कूटी लेने के लिए गया हुआ है, ये लगी है हमारी ऑगी। तो गाइस देख रहे हो, तो गाइस देखो इसकी एक प्रॉपर वीडियो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, हर एक चीज आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ, अभी मैंने आपको ज्यादा कुछ बताया नहीं, सिर्फ बाइक ही रिवील किया। तो गाइस चलो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं घर, मैं और राजा जी, तो अब आप लोगों से सीधा घर पे जाके मिलते हैं। सो फाइनली गाइस तुम्हारा भाई घर पहुंच चुका है, और गाइस तुम्हारे भाई के आंख में देख रहे हो भाई क्या हुआ, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा डस्ट मिट्टी गई आंखों में और आंखें भाई रेड रेड हो गई है दोनों, तो कोई बात नहीं गाइस ये भी ठीक हो जाएंगी। So guys, बाकी आप कमेंट में जरूर बता देना हमारी Duke 90 आप लोगों को कैसी लगी, और आज के ब्लॉग में आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा। So guys, करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट मस्त ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।